हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं मई माह का कंप्लीट एमसीक्यू करंट अफेयर्स जी के। हम बात करेंगे 51 एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि मई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स जीके है। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स और कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथियों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए कि हम जून 2019 यानी कि कल से करंट अफेयर्स जी के थ्योरी में ना देकर एमसीक्यूज में आपको अवेलेबल कराएंगे। तो कल से हमारा नया जो करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, वो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मिलेगा और उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे। तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथियों, यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, आज का यानी कि मई माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन संख्या एक, इनमें से कौन जापान के 126वें सम्राट बने हैं? ए फुलेस्को, बी नारोहितो, सी जोंडो, डी लियोमपार्ड। और इसका सही उत्तर है नारो हितो। कौन टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं? ए सौम्यजीत घोष, बी हरमीत देसाई, सी जी साथियान, डी कमलेश मेहता। और इसका सही उत्तर है जी साथियान। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे हर वर्ष मनाया जाता है? ए 1 मई को, बी 30 अप्रैल को, सी 28 अप्रैल को, डी 5 मई को। तो इसका सही उत्तर है 1 मई को। किस देश की सरकार ने बुरके पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ए न्यूजीलैंड, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, डी भारत। सही उत्तर है श्रीलंका की सरकार ने। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर वर्ष मनाया जाता है? ए 3 मई को, बी 1 मई को, सी 4 मई को, डी 2 मई को। सही उत्तर है 3 मई को। किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? ए रजत शर्मा को, बी किरण कुमार को, सी आदेश निगम को, डी रोहन त्रिपाठी को। सही उत्तर है किरण कुमार को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किस पाकिस्तानी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है? ए परवेज मुशर्रफ, बी मसूद अजहर, सी हमदी अली अल जहा, डी जुनेद अख्तर। सही उत्तर है मसूद अजहर को। इनमें से किसने वायुसेना उपप्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ए अमित सुनाकर, बी मोहनदास चक्रवर्ती, सी राकेश सिंह भदौरिया, डी ललित चोपड़ा। सही उत्तर है राकेश सिंह भदौरिया। इनमें से कौन मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के पहले नॉन ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं? ए सचिन तेंदुलकर, बी वीरेंद्र सहवाग, सी मुथैया मुरलीधरन, डी कुमार संगकारा। सही उत्तर है श्रीलंकाई बल्लेबाज कुमार संगकारा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 6 मई 2019 को किसे सेवामुक्त करने की घोषणा की है? ए INS रणविजय, बी INS रंजीत, सी INS मैसूर, डी INS कोलकाता। तो भारतीय सेना ने 6 मई को युद्धपोत विमान INS रणजीत को सेवामुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, आई सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन वर्ष 2018 में सैन्य खर्च करने वाला सबसे बड़ा देश बना है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी अमेरिका। सही उत्तर है अमेरिका। कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ए जापान, बी मिस्र, सी रूस, डी ब्रिटेन। सही उत्तर है ब्रिटेन। इनमें से कौन थाईलैंड के नए सम्राट बने हैं? ए लिम्बर्डो, बी वजीरा लॉन्गकॉर्न, सी वेनेस कोजुला, डी पियो त्रिवेन। सही उत्तर है वजीरा लॉन्गकॉर्न। इनमें से कौन आईपीएल में 100 कैच लपकने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? ए विराट कोहली,
बी रोहित शर्मा, सी डेविड वार्नर, डी सुरेश रैना। सही उत्तर है सुरेश रैना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष मनाया जाता है, ए 11 मई को, बी 12 मई को, सी 10 मई को, डी 8 मई को। सही उत्तर है 11 मई को। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को SDG की प्राप्ति हेतु अपना विशेष राजदूत बनाया है, ए नगमा खान, बी उर्वशी रोतेला, सी दिया मिर्जा, डी त्रिवेणी घोष। सही उत्तर है दिया मिर्जा को। कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है, ए जापान, बी मिस्र, सी आयरलैंड, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है आयरलैंड। रिलायंस ने हाल ही में खिलौना कंपनी हेमलेज का अधिग्रहण किया है, यह किस देश से संबंधित है, ए जापान, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी नीदरलैंड। सही उत्तर है ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट, इनमें से किस देश की संसद ने फेक न्यूज विधेयक पारित किया है, ए बांग्लादेश, बी सिंगापुर, सी नेपाल, डी श्रीलंका। सही उत्तर है सिंगापुर की संसद ने। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, ए सुरेश माधव, बी एजाज खान, सी जगजीत पवाड़िया, डी नीलम गोडसे। सही उत्तर है जगजीत पवाड़िया को। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश की धातुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ए ईरान, बी कतर, सी सऊदी अरब, डी नाइजीरिया। सही उत्तर है ईरान की धातुओं पर। इनमें से किस देश को आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना गया है, ए डेनमार्क, बी कनाडा, सी भारत, डी स्वीडन। सही उत्तर है भारत को। प्रसिद्ध व्यक्तित्व सिमोर नर्स का निधन हुआ, वह थे ए पूर्व क्रिकेटर, बी पूर्व प्रधानमंत्री, सी पूर्व राष्ट्रपति, डी वैज्ञानिक। सही उत्तर है पूर्व क्रिकेटर। विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे हर वर्ष मनाया जाता है, ए मई महीने के पहले मंगलवार को, बी मई महीने के पहले रविवार को, सी मई महीने के पहले बुधवार को, डी मई महीने के पहले शनिवार को। सही उत्तर है मई महीने के पहले मंगलवार को। भारत ने किस देश के साथ सिम्बैक्स 2019 समुद्री युद्ध अभ्यास शुरू किया है, ए नेपाल, बी सिंगापुर, सी चीन, डी अफगानिस्तान। सही उत्तर है सिंगापुर के साथ। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ए 17 मई को, बी 18 मई को, सी 16 मई को, डी 12 मई को। सही उत्तर है 17 मई को। कौन कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL खिलाड़ी ड्रॉप्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं, ए हार्दिक पांड्या, बी इरफान पठान, सी विराट कोहली, डी RP सिंह। सही उत्तर है इरफान पठान। इनमें से कौन अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, ए निर्मला खन्ना, बी आरोही पंडित, सी उर्वशी मित्तल, डी आयशा खान। सही उत्तर है आरोही पंडित। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बना है, ए चीन, बी नेपाल, सी ताइवान, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है ताइवान। इनमें से किसे भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, ए स्टीफन मैगले, बी जॉर्ज मून, सी इगोर स्टिमैक, डी अल्विरो डैन। सही उत्तर है इगोर स्टिमैक। इनमें से कौन ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है, ए पेरी किम, बी GS लक्ष्मी, सी अंजिता गमागे, डी आरती द्विवेदी। सही उत्तर है GS लक्ष्मी। प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव आरंभ हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है, ए पश्चिमी बंगाल, बी केरल, सी असम, डी राजस्थान। सही उत्तर है केरल से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व हीरालाल यादव का निधन हुआ, वह थे ए गायक, बी चित्रकार, सी वैज्ञानिक, डी पूर्व मुख्यमंत्री। सही उत्तर है गायक। इनमें से किस टीम ने IPL 2019 का खिताब जीता है, ए राजस्थान रॉयल्स, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी किंग्स इलेवन पंजाब, डी मुंबई इंडियंस। सही उत्तर है मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट, इनमें से किसे दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ए नरेंद्र भागवत, बी जमन सिन्हा, सी शैलेश तिनेकर, डी सुरेश त्रिपाठी। सही उत्तर है शैलेश तिनेकर को। प्रधानमंत्री थेरेसा ने इस्तीफे की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है, ए ब्रिटेन, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है ब्रिटेन से संबंधित है।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिनमें कौन शामिल नहीं है? ए बी आर गवई, बी योगेश त्रिपाठी, सी अनिरुद्ध बोस, डी एस एस बोनप्पा। सही उत्तर है योगेश त्रिपाठी इन लोगों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही बने हैं? ए देवेश नागर, बी राम नरेश कुमार, सी गजेंद्र त्रिपाल, डी गोपाल श्रेष्ठ। सही उत्तर है गोपाल श्रेष्ठ। इनमें से कौन IAF की इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला ऑपरेशन फाइटर पायलट बनी है? ए श्रेया गौतम, बी अंजुम त्रिपाठी, सी दीक्षा चावला, डी भावना कंठ। सही उत्तर है भावना कंठ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष मनाया जाता है? ए 22 मई को, बी 20 मई को, सी 14 मई को, डी 19 मई को। सही उत्तर है 22 मई को। नेक्स्ट, इनमें से किसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? ए अरुंधति शर्मा, बी मलीला खोल, सी रैनी पीसस, डी जोखा अलार्ती। सही उत्तर है जोखा अलहारती। कौन व्यक्ति भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? ए जुनेद अख्तर, बी मोइन उल हक, सी शाहीन नवाज खान, डी अलमिर्जा खैरात। और इसका सही उत्तर है मोइन उल हक। नेक्स्ट, जोको विडोडो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, वह किस देश से संबंधित हैं? ए ब्राजील, बी इंडोनेशिया, सी ग्रीस, डी पोलैंड। सही उत्तर है इंडोनेशिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गाय की किस नस्ल को संरक्षित करने का आह्वान किया है? ए साहिवाल, बी थारपारकर, सी ओंगोल, डी राठी। सही उत्तर है ओंगोल। नेक्स्ट, किस भारतीय लेखिका को 9 डॉट प्राइज 2019 का विजेता घोषित किया गया है? ए अरुणा द्विवेदी, बी वर्षा राव, सी एनी जैदी, डी हंसा ठाकुर। सही उत्तर है एनी जैदी को। RBI ने RTGS के जरिए लेन देन की समय सीमा बढ़ाई है, जिसके अनुसार आप बैंकों में कितने बजे तक लेन देन कर सकेंगे? ए शाम 5 बजे तक, बी शाम 6 बजे तक, सी शाम 5:30 बजे तक, डी शाम 6:30 बजे तक। सही उत्तर है शाम 6 बजे तक। किस व्यक्ति ने ओडिशा के लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है? ए नवीन पटनायक, बी गणेश गौतम, सी नवजीवन दास, डी वरुण शर्मा। सही उत्तर है नवीन पटनायक ने। इनमें से किसे अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए जगवीर गोडसे, बी नितिन कमल, सी पेमा खंडू, डी अरविंद राय। सही उत्तर है पेमा खंडू। नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्तित्व वीरू देवगन का निधन हुआ, वह थे? ए डायरेक्टर, बी पूर्व मुख्यमंत्री, सी पूर्व क्रिकेटर, डी वैज्ञानिक। सही उत्तर है डायरेक्टर थे, जिन्होंने फूल और कांटे मूवी बनाई थी और ये अजय देवगन के पिता थे। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? ए 14वें, बी 15वें, सी 18वें, डी 22वें। सही उत्तर है 15वें प्रधानमंत्री के रूप में। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ए एस शर्मिला, बी चंद्रदास राव, सी जगमोहन रेड्डी, डी पवन कल्याण। सही उत्तर है जगमोहन रेड्डी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा कंप्लीट मई मंथ का करंट अफेयर्स GK। तो यदि आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।